तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक कंटिन्यूइंग गेम प्ले सीरीज GTA Vice City में। तो लास्ट वाले एपिसोड में आपको याद होगा कि हम भाई गए थे भाई एक प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करने के लिए, इधर उधर गए थे हम। और लास्ट के लास्ट वाले एपिसोड में भाई हम गए थे बोट यार्ड में। हम बोट यार्ड को खरीदने गए थे भाई, $10,000 में मिल रहा था, तो हमने सोचा भाई उसे खरीद लेते हैं। लेकिन भाई हमें पता चला कि भाई वहाँ पर हमें उसके लिए एक मिशन करना पड़ेगा। मिशन कुछ इस प्रकार से था कि भाई वहाँ पर हमें ना एक बोट रेस करनी पड़ेगी, बोट रेस तो नहीं भाई, चेक पॉइंट हमको क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमने वो करने लग रहा था भाई, लास्ट वाला बिल्कुल जो चेक पॉइंट था उसमें मैं फट गया, पता नहीं कैसे फट गया, जिससे मेरी मौत हो गई। तो मेरे भाई आंखें खुलती है हॉस्पिटल में, तो ना मेरे पास पैसे थे ना बंदूक थी भाई, बिल्कुल मैं लूट चुका था यूं समझ लो। उसके बाद से मैंने फिर से शुरू किया भाई, लास्ट वाले एपिसोड में मैं गया दोबारा से बोट यार्ड, वहाँ पर मैंने स्टार्ट करा दोबारा से अपनी जर्नी और भाई उस बोट यार्ड को जीता। और इससे क्या हुआ, हमारे जो वो है एसेट प्रोक्यूरिंग पावर थी वो भी भाई हमें आने लग गई। मतलब इसके इससे क्या हुआ कि भाई जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होने लग रहा था वो भी होने लग गया। तो भाई अभी इस वाले एपिसोड में मेरा प्लान क्या है कि मैं भाई यहाँ पे ना अपने मेरे आप देख सकते हो भाई $24,755 है मेरे पास। तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके भाई कम से कम करके भाई इसे 70,000 तो कर लूँ कि भाई एक इन्वेस्टमेंट कम से कम मैं खरीद लूँ। एक इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब है कि भाई वहाँ पे याद है ना आपको लिटिल हवाना में एक इन्वेस्टमेंट भाई वो थी फैक्ट्री जहाँ पे भाई हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे भाई गुड्स का। तो भाई वो मैं खरीदने के लिए भाई काफ़ी समय से मैं उत्सुक था, लेकिन भाई मैं खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि भाई उस $70,000 का था। अभी मेरे पास $25,000 कुछ भी नहीं है भाई, उससे भी कम डॉलर है मेरे पे। तो भाई सबसे पहले मैं भी अपना वो ले लेता हूँ भाई, यहाँ पे आदमी मरने क्यों आ गया। तो भाई सबसे पहले मैं अपना वेस्ट ले लेता हूँ भाई, वेस्ट ज़रूरी रहती है भाई, कभी भी कहीं पर भी मेरी मौत हो सकती है। तो भाई इसके लिए मैं वेस्ट ले लेता हूँ सबसे पहले, तो वेस्ट मैंने ले लिया है भाई। अब मैं चलता हूँ भाई अपने क्लब मेलेबू में, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई वहाँ से पैसे इकट्ठा करूँगा, देखता हूँ भाई अपने रिवेन्यू कितना आ जाता है भाई, जितने भी मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उनसे रिवेन्यू कितना आ जाएगा। अगर नहीं आया तो भाई मैंने एक प्लान बनाया है कि भाई मैं चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री जो है ना वहाँ पे कुछ उसके मिशन कर लूँगा कि मतलब अपने आइसक्रीम बेचूँगा बेसिकली। तो यहाँ पे भाई 3,500 तो भाई कुछ भी नहीं है यार, 3,500 में तो भाई, लेकिन छोड़ो कोई नहीं, 3,500 भी भाई कुछ है। अगर 70,000 मेरे को करने हैं इस वाले एपिसोड में तो भाई इसको भी मेरे को बड़ी रकम माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई टैक्सी फैक्ट्री के लिए, कोई बाइक मिल जाती तो बढ़िया रहता भाई, बाइक बढ़िया चलती है, गाड़ी के बस की नहीं है भाई इतना चलना। तो भाई कोई ये गाड़ी ले लेता हूँ, ये गाड़ी ठीक है थोड़ी सी ना, ओ भाई भाई ज़्यादा आ गया एक्स्ट्रा ही आ गया भाई, यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा आ गया, मैं बिल्कुल जैसे 5-star होता है ना। तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई अपने टैक्सी फैक्ट्री में देख लेता हूँ कितना रेवेन्यू आया है, क्योंकि मैंने घर से रिवेन्यू कलेक्ट कर लिया है, क्लब मेलेबू से रिवेन्यू कलेक्ट कर लिया है, और भाई रहता है सिर्फ टैक्सी और वो जो है ना वो कोने में मैंने खरीदा था कल बोट यार्ड, उसमें मेरे को $2,000 मिलेंगे। 2,000 तो भाई कुछ भी नहीं होते, उसके लिए मैं इतनी दूर जाऊँगा, इससे बढ़िया कोई घूम ही लूँगा मैं। तो छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे भाई पता नहीं क्यों मरने आ जाते हैं लोग अपने आप, मतलब सामान लेके गाड़ी वाड़ी लेके, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब मैं जाने लग रहा हूँ भाई टैक्सी फैक्ट्री के लिए, जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचता हूँ। वहाँ पे लास्ट वाला एपिसोड में मैंने आपको बोला था कि भाई मैं अपना यहाँ पे ना 70,000 पहले ही कर लूँगा, रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मैंने छोड़ यार कोई दिक्कत की बात नहीं, रिकॉर्ड भी कर लेते क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ भाई मैं कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी करूँगा $70,000 की। तो यहाँ पे भाई पहला स्टेप तो भाई मैं अपना रिवेन्यू कलेक्ट कर लूँगा जितना हो जाएगा, और उसके लिए मेरे को टाइम स्पेंड, ओ भाई भाई पुलिस मरने आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले भाई रिवेन्यू कलेक्ट कर लूँगा, जितने भी इन्वेस्टमेंट है जितने आ जाएंगे उतने बढ़िया। अगर टाइम वेस्ट करना होगा तो इसके लिए मैं भाई चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री की भाई वो ट्रक चला लूँगा, उससे क्या होगा कि भाई जो मैं थोड़ा आइसक्रीम बेच के पैसे कमा लूँगा भाई, ऐसी बात नहीं है उससे कम पैसे मिलते, उससे भी ठीक ठाक पैसे मिल सकते हैं मेरे को, तो भाई वो मैं देखूँगा। तो यहाँ पर भाई ये बाइक वाला आने लग रहा है, इसको मैंने निपटा दिया भाई, रॉन्ग साइड पे चल रहा था, अच्छा हुआ मर गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भाई बिल्कुल गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है आप देख सकते हो पीछे, और यहाँ पे मैं गाड़ी लेके जाने लग रहा हूँ, इसकी गाड़ी तो नहीं है भाई, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई बचिया, बस इसको भी मारता मैं, लेकिन अभी मेरे पे बंदूक भी कम है भाई, बंदूक ही नहीं है मेरे पे, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं जब मरा था ना जैसे मेरे बोट जो है ब्लास्ट हो गई थी, तो भाई मेरे पैसे के साथ साथ भाई ये भी चली गई थी, ये क्या नाम है, ये गन्स सारी, इतनी भयंकर डासू गन्स थी वो सारी चली गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं सबसे पहले भाई अपनी टैक्सी फैक्ट्री चलता हूँ, वहाँ पे जाके देख लेता हूँ क्या क्या सिस्टम है, कितने पैसे मेरे को मिलेंगे, उसके बाद चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री में अपना मिशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल थोड़ा सा ही समय रह गया है अपने पहुँचने के लिए, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई $36,500, तो ठीक है भाई $36,500 इतना कम भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी टोटल रकम हो चुकी है भाई 31,997, तो मतलब 32,000 कुछ मेरे को मिल चुके हैं, 23,000 से लगभग 9,000 का हमने जंप करा है, ये कुछ भी नहीं है भाई इतना तो भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इतना को भी मानना पड़ेगा जब हमें 70,000 करना है, तो छोटी छोटी रकम को भी हमने प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ भाई, यहाँ पे रास्ता पड़ता है भाई चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री का, वहाँ पे कुछ मिशन करूँगा। मिशन में थोड़ा ना ऐसा रहता है, मतलब आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, वो जो सामने दिख रहा है ना इन्वेस्टमेंट का,
यही है भाई वो $70,000 का। एक बार आपको मतलब यकीन करवा देता हूँ, 70 ऊपर लिखा है ना 70,000, तो 70,000 मेरे को करने पड़ेंगे। और मैंने इसके साथ साथ एक वो भी देखा था, वो क्या कहते हैं उसे, वो अरे मतलब वो होता है ना वो, अरे यार नाम भी भूल गया उसका, कार शोरूम में बहुत पहले से सोच रहा था भाई उसे खरीदने का, भाई बहुत टाइम हो चुका था उसे खरीदा नहीं, मैंने भूल गया था, दिमाग से ही निकल गया था। तो मैंने लास्ट वाले एपिसोड में बाय चांस बाय मिस्टेक उसे देख लिया, तो भाई मेरी मतलब अंतरात्मा मतलब एकदम वो हो गई, रोदड़ू हो गई। तो मैंने सोचा भाई उसे खरीद लेते हैं सबसे पहले तो नहीं भाई, सबसे अब तो सबसे बाद में ही हो जाएगा भाई, दो इन्वेस्टमेंट रहती है मेरी। अब यहाँ पे मैं भाई अपने इसमें ट्रक में आ चुका हूँ भाई, चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री के ट्रक में, इसका नाम है मिस्टर वूपी। तो भाई मिस्टर वूपी को मेरे को लेके जाना है भाई चेरी पॉपर, यहाँ पे मेरे को आइसक्रीम बेचनी है। अच्छा यहाँ पे मेरे को भाई ओके, तो यहाँ पे भाई पुलिस अटेंशन से मेरे को बचना है, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आइसक्रीम मेरे को बेचनी है लेकिन भाई पुलिस मेरे पीछे पड़ सकती है, तो उनसे मेरे को बच के भागना है, और लोकल गैंग्स भाई मेरे खिलाफ रहेगी, तो भाई इनसे भी बच के रहना है मेरे को। लेकिन छोड़ो कोई नहीं, अब दोनों से बच के रह लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे भाई मेरे को ना स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे मेरे को ना हॉर्न बजाना है। ओके तो यहाँ पे भाई मैं हॉर्न बजा के देख लेता हूँ। ओके यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है बता रहा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे ऑलरेडी भाई 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 इसे मार देता मैं अगर मैं आइसक्रीम नहीं बेच रहा होता। तो यहाँ पे भाई कोई कस्टमर नहीं बता रहा है, एक काम करता हूँ भाई GTA Vice City चलता हूँ, वहाँ पे देख लेता हूँ भाई कोई कस्टमर होगा। यहाँ पे दो पागल लड़कियाँ घूमने लग रही है भाई, इनने सुसाइड कर लिया, छोड़ो इनसे इन्हें क्या ही बेचेंगे बैंकर। अब मैं आने लग रहा हूँ भाई स्टारफिश आइलैंड है, इतने सालों से मैं इसे GTA Vice City बोलता रहा हूँ, इसका नाम स्टारफिश आइलैंड था, तो लो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक बार। ओके यहाँ पे दो कस्टमर दिख चुके हैं, एक बुढ़ा आ चुका है भाई और एक उसका बेटा आ चुका है, यहाँ पे भाई आइसक्रीम मांगने लग रहे हैं। तो भाई देखते हैं कितनी डील होती है भाई, एक डील हो चुकी है। और यहाँ पे आदमी अबे खरीद ले कुछ, अबे तो खड़ा है यार, कुछ खरीद नहीं रहा, छोड़ मैंने इसको स्किप कर दिया। अब आगे देखता हूँ भाई, यहाँ पे एक डील तो हो चुकी है, मतलब यहाँ पे बोनी तो हो चुकी है मेरे बिजनेस की। अब यहाँ पे भाई ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे तीन लोग भागने लग रहे हैं भाई, यहाँ पे मैंने हूटर तो बजा दिया है अपना, और यहाँ पे भाई दो लोगों ने भाई अपील करी है भाई खरीदने के लिए, तो दो लोग खरीद ही लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और इसके बाद देख लेता हूँ भाई कितने पैसे मेरे को, आप ऊपर देख सकते हो भाई $27 है, मतलब मेरे को भाई कुछ कुछ पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भीड़ जैसे ही आएगी वहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे लोग रहता हूँ भाई, लड़कियाँ थोड़ा कंजूस सी रहे, मतलब कंजूस तो नहीं होती, खाने के मामले में कंजूस नहीं होती, बाकी सब मामलों में थोड़ा कंजूस रहती हैं। तो यहाँ पे भाई इन्हें बेच देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे पुलिस केस हो गया भाई, पुलिस कौन सी भागने आने लग रही है, तो ये सामने भाई पुलिस वाला गुंडा है जो मेरे पीछे आएगा, देखो आप देख सकते हो पीछे से आ रहा है। अब मैं इसे पिचका भी नहीं सकता, अगर इसे पिचकाऊंगा तो भाई 2 स्टार पुलिस केस हो जाएगा मेरे पे, जिससे क्या होगा भाई ज़्यादा मतलब गाड़ी वाड़ी मेरे पीछे लग जाएगी, तो भाई बेचने में दिक्कत होगी। मैं एक काम करता हूँ भाई, वो जो आइलैंड वो क्या नाम है बीच सा है ना, वो GTY सिटी का बीच, तो वहाँ पे चलता हूँ भाई, वहाँ पे भीड़ रहती है, वहाँ पे ना थोड़ा रश सा रहता है, वहाँ पे मैं जाके बेच सकता हूँ। तो एक बार यहाँ पे बेच देता हूँ भाई, रास्ते में आया हूँ तो बेच के चलता हूँ भाई, हॉर्न बजा रहा हूँ भाई खरीद लो कुछ। यहाँ पे भागता हुआ आया भाई, पता नहीं क्या इसे यहाँ पे मिल गया भाई, ट्रैफिक रोक रहा हूँ मैं, शायद इसीलिए पुलिस मेरे को पकड़ेगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे चला गया भाई। यहाँ पे मेरी टोटल 6 डील हो चुकी है भाई, 32,000 रुपये थे भाई, 84 रुपये मुझे ज़्यादा मिल गए यार। लेकिन मैं इसके लिए पता है क्यों कर रहा हूँ मैं ये मिशन, कि मेरा टाइम स्पेंड हो जाए भाई यहाँ पे, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो भाई क्लब मैलिबू से मेरे को $10,000 मिल जाएंगे, मेरे घर से मेरे को 5,000 भाई, टैक्सी फैक्ट्री से 5,000, तो टोटल हो गए 20,000, और 2,000 मेरे को वहाँ से मिल जाएंगे, क्या नाम है वो है ना वो कोने वाला बोट यार्ड, तो मेरे को 22,000 वहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी कितने हो जाएंगे, लगभग मेरे पे $50,000 कुछ हो जाएंगे, 55,000 डॉलर कुछ हो जाएंगे, क्योंकि भाई मैं थोड़ा ये भी तो भेजूंगा चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं भेजूंगा, मतलब ये आइसक्रीम बेचूंगा। तो यहाँ पे भाई तीन लोग पागलों की तरह भागते हुए आ गए ये आइसक्रीम खाने के लिए। तो भाई यहाँ पे काला भी है देख सकते हो आप, वो भाई पुलिस 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 आने लग गई भाई, सॉरी भाई तुम्हें बेच नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि भाई पुलिस मेरे पीछे लग गई, लगी कि नहीं लगी भाई यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा। जैसे ही अगर पुलिस आएगी ना, वो अगर गेट खोल दी तो मैं बस्टेड हो जाऊँगा, बस्टेड जो भी होता है वो हो जाऊँगा भाई। आ गई, ओ भाई बच गया बस मैं भाई, मैं इतना एक्साइटेड मतलब ओवर एक्टिंग इसलिए कर दी मैंने, क्योंकि भाई अगर मैंने ये कर दिया ना, ऐसे बस्टेड कर दिया, तो भाई मेरी जो बंदूक है जिसे मैंने $3,000 दे के खरीदा था वो भी चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे भाई, सारा किया कराया मैं मतलब गोबर फिर जाएगा, पानी भी नहीं गोबर फिर जाएगा। इस चोर को क्या बेचूँ, छोड़ो चोर को मैंने स्किप कर दिया है। यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई बीच के साइड, अब रात का अंधेरा सा होने, ओ ये आया दिखा भाई, यहाँ पे मैं बेच सकता हूँ मैं बढ़िया। ओ भाई सॉरी यार, मैंने यहाँ पे औरत पिचका दी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, गुंडे तो वैसे ही है ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, गुंडे तो भाई हमारा गुंडागर्दी तो पेशा भाई। उठ के चली गई क्या, वो उठ के जा रही है भयंकर, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भाई कई सारे कस्टमर आने लग रहे हैं भाई, पीछे पुलिस की गाड़ी भाई लग गई भाई, पुलिस की गाड़ी मेरे पीछे लग गई। अब यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा भाई, आप देख सकते हो
पीछे भाई लग गई भाई पुलिस की गाड़ी, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा भाई जितना स्पीड से भाई। चलो सही है, धीरे धीरे भाग रहे हैं, मतलब ये भी चाहता है कि यहाँ से दूर भाग जाऊँ मैं, तो भाई पीछे रह गए हैं काफ़ी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ना टर्न ले लेता हूँ जिससे वो थोड़ा सा ना वो हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। तो यहाँ से मैंने टर्न लेने के भाई अच्छा अच्छा बच गया मैं, मुझे लगा यहाँ पे मतलब बंद ही हो गया है यहाँ पे ना, रोड बंद हो गया है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम हमारा अच्छा खासा स्पेंड हो रहा है भाई यहाँ पे। मैं और किसी तरह से तो टाइम स्पेंड नहीं कर सकता ना, मिशन करता तो भाई मिशन कुछ है नहीं यहाँ पे करने के लिए, या तो टैक्सी का मिशन कर लेता, कुछ और कर लेता। ओ भाई भाई भाई, अगर मैं ये आइसक्रीम ना बेच रहा होता ना, उसे बहुत मारता मैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, आइसक्रीम वाले से कौन ही समझेगा भाई, डॉन चला रहा है आइसक्रीम वैन। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बीच साइड पे भाई, बीच साइड पे इतने कस्टमर तो दिख नहीं रहे यार। अच्छा दिख रहे हैं यहाँ पे, बुड्ढे दिख रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पे सामने आ चुके हैं भाई, थोड़ा यहाँ पे बेच लेता हूँ। एक काम करता हूँ भाई, हूटर बजाता हूँ भाई, हूटर भाई, कोई सुन नहीं रहा है, काम नहीं आएगा यहाँ पे बीच वालों के किसी के। अरे सुन लो, ओके ओके, तो यहाँ पे लेडीज़ भागते हुए आ गई भाई दो, तो यहाँ पे भाई मेरी आइसक्रीम की भाई इतनी है ही पहुँच भाई, दूर दूर तक इंसान सुन सकता है भाई आइसक्रीम बेचना आया है कोई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भाई मेरे 14 हो चुके हैं भाई टोटल, ये डील हो चुके हैं 14। मैं सोच रहा हूँ भाई अगर 50 तक पहुँच जाए तो मज़े ही आ जाएंगे, तो भाई 50 तक करने की भाई अपनी पूरी कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे भाई दो भिखारी से आने लग रहे हैं भाई, ओके ओके दोनों खरीदेंगे भाई, क्या बात है यार, मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे भाई एक भयंकर, दो भिखारी हैं मतलब आप समझ सकते हो, एक भिखारी और एक उसका उसकी बहन। तो यहाँ पे भाई मैंने दो भिखारियों को भाई बेच दिया अपनी आइसक्रीम, सस्ती आइसक्रीम है इसलिए खरीद लेते हैं, जो रिच पीपल होंगे भाई वो तो भाई अपना फैक्ट्री में आ गए खरीद लेंगे ना, उन्हें पैसे बचाने होते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे बेचता हूँ भाई, पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे दो कस्टमर नहीं तीन कस्टमर मैंने बुला लिए हैं, मतलब हॉर्न बजा के ना अपने आप ही आए हैं, बुलाए हैं क्या मैंने। तो यहाँ पे भाई तीन कस्टमर को मैंने भेज दिया भाई, पुलिस वाला वो भाग के आ रहा है, देखो कितना शेर दिल इंसान है भाई, इसे दिख नहीं रहा है मैं टॉमी वर्सेटी हूँ इसे। ओ भाई 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 भाई, यहाँ पे पुलिस वाला ना आ जाए पीछे भागता हुआ। चलो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, बहुत पीछे रह गया वो। तो यहाँ से मैं भागने के लिए मेरा रास्ता साफ हो चुका है, और यहाँ पे आप बगल में देख सकते हो जो क्लब दिख रहा है आपको, ये मेरा है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं भाई, कुछ कमाई का कुछ साधन नहीं है यहाँ पे, और कोई रास्ता भी नहीं है। तो यहाँ पे भाई यहाँ से निकल जाएगी अपना ट्रक। तो भाई ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है भाई, 50 का मैंने कुछ ज़्यादा ही आंकड़ा लगा लिया था भाई, 50 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक काम करता हूँ भाई, रास्ते में चलता हुआ बेचता हुआ चलता हूँ अपने वापस फैक्ट्री में, वहाँ पे अपना ट्रक पार्क कर दूंगा, और क्या करूँगा भाई अपना इन्वेस्टमेंट लेते हुए चलूँगा। तो यहाँ पे ये भाई ये बुज़ुर्ग आदमी ख़रीदना नहीं चाहता। अब आगे देख लेता हूँ कहीं भीड़ भड़ाका हुआ तो वहाँ पे कुछ बेच देंगे भाई। यहाँ पे एक एक इंसान भागने लग रहा है, जाने लग रहा है, मतलब भागेगा क्या। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ बेच लेता हूँ, यहाँ पे शायद थोड़े ज़्यादा भाई, वहाँ पे तो डाइव लगा दी औरत ने। ओके, तो यहाँ पे भाई मेरे को लग रहा है ज़्यादा स्कोप है थोड़ा बेचने का ना आइसक्रीम का, यहाँ पे मेरे लिए वो ज़्यादा हो जाएगा मतलब पैसे कमाने का साधन, मतलब वही बात हुई, यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा है। तो यहाँ पे भाई पुलिस वाला तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को, जैसे ही आएगा मेरे को भागना पड़ेगा। अगर उसने मेरा गेट खोल के भाई धप्पा कर दिया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे चोर सी शक। ओ भाई पुलिस वाले आ गए भाई, सॉरी भाई सॉरी, आई एम सो सॉरी बाबू। तो यहाँ पे मेरे को भागने लग रहा भाई, 21 का आंकड़ा मेरे को ठीक लगता है। अब मैं जा सकता हूँ भाई अपने वहाँ पे चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री में, वहाँ पे जाके अपना ट्रक पार्क करेंगे पहली बात, और दूसरी बात वहाँ से कोई बढ़िया सी सुपर कार या बाइक लेके हम जाएंगे भाई अपने इन्वेस्टमेंट में पैसे कलेक्ट करने के लिए। भाई 50,000 तो हो जाएंगे, 70,000 की गारंटी नहीं है इसका, मतलब हम भाई कार फैक्ट्री खरीद सकते हैं सिर्फ, मतलब वो जो कार का शोरूम था ना वो ही खरीद सकते हैं, उसको कर लेंगे भाई, कुछ पैसे आएंगे फिर खरीद लेंगे भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। भाई बहुत लंबे समय से मेरा सपना था भाई, यहाँ पे मैं गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ भाई, अबे यार मेरे को खुंदक और आ गई अपने आप पे, यहाँ पे मैं गोल गोल घूम के पीछे ही आ गया। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था भाई, मेरा बहुत सालों से सपना था कि भाई एक वो जो कार शोरूम है उसे खरीदना भाई, सबसे पहली मेरी होप थी कि उसको खरीदेंगे। लेकिन उसके बाद मैं भूल ही गया भाई, कई सारी मैंने क्लब मेलेबू खरीद लिया, दूसरा क्लब खरीद लिया, अपने लिए 3-4 घर खरीद लिए, एक वर्सिटी मैंशन चुरा लिया, और एक बोट यार्ड खरीद लिया, और भी बहुत सारे खरीदे, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 और होंगे भाई, 1-2 और होंगे सॉरी, तो वो और खरीदे होंगे। लगभग मैंने 8-9 या 10 कुछ इन्वेस्टमेंट अपने लिए खरीदी होगी, लेकिन भाई जो मैंने सबसे पहले सोची थी खरीदने की वही नहीं खरीदा मैंने। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ भाई अपने फैक्ट्री में, वहाँ पे अपना ट्रक पार्क करूँगा, और वहाँ से निकलने के लिए अपने लिए कोई ढूँढूँगा, कोई साधन ढूँढूँगा। वैसे तो कोई लेके तो जा नहीं रहा इसमें ट्रक में, वहाँ पे मैं पार्क करने की सोचता था कि भाई वहाँ पे शायद पार्क तो हो जाएगा भाई अपनी व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, लेकिन भाई वहाँ से चुरानी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा ही रास्ता रह जाएगा। अभी मैं यहाँ पे मैं सोचता कि भाई यहाँ से खरीद अपना मतलब वो है ना इन्वेस्टमेंट प्रोक्योर कर लेता, लेकिन मैंने सोचा छोड़, रेवेन्यू आते हुए ले लेंगे,
तो क्योंकि भाई उसका थोड़ा सा दाम बढ़ जाएगा ना फिर आते हुए समय जब मैं आऊँगा, तो शायद $5,000 हो जाएंगे जितना मेरे को लगता है। 5,000 नहीं हुआ तो कम से कम 4,000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका भाई, दूसरा ट्रक आ गया यहाँ पे, क्या बात है यार। और यहाँ पे भाई मेरी बाइक, ओके तो यहाँ पे भाई मैं अपना मिशन कंप्लीट करता हूँ भाई। 21 टोटल मैंने सर्विंग करी है। यहाँ पे मैं अपनी बाइक लेता हूँ और जाता हूँ सबसे पहले भाई यहाँ पे बोट यार्ड में मैं जाता हूँ भाई। बोट यार्ड में मैं सबसे पहले भाग के जाता हूँ, भाग के तो नहीं मतलब भाग तेज चला के जाता हूँ, वहाँ पे देख लेता हूँ भाई 2,000 तो कम से कम आ जाए भाई। इतना समय मैंने व्यतीत करा भाई ये चेरी पॉपर आइसक्रीम बेचने में भाई, कितने मेरे मिले मेरे को $264 सिर्फ। अबे इतना तो मैं एक इंसान को मार के कलेक्ट कर लेता हूँ, इतनी मेहनत तो मैंने फालतू में ही कर दी भयंकर। मैंने सोचा था भाई कई हज़ार रुपये कमा लेंगे इसमें, लेकिन मेरे मतलब सोचना ही बिल्कुल नीच था। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई अपने बोट यार्ड में। यहाँ पे भाई कई सारे गुंडे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भाई 1976 पता नहीं यहाँ पे वो सन बता रहा है शायद, यहाँ पे 1976 में ये बोट यार्ड बना होगा, नहीं भाई वो रिवेन्यू है। तो यहाँ पे भाई कुछ आदमी मेरे को ओके ओ भाई साहब ये मेरे ही गार्ड्स है बेसिकली, और ये भाग गए देखो। तो जैसे ही मैंने बोट यार्ड ख़रीदा था इसके साथ मेरे को कुछ गार्ड्स मुफ्त में मिल गए थे जो कि ये हैं। इनके शायद मुझे लगता है भाई रिवेन्यू में से इनका कुछ कट जाता होगा, कट मिलता होगा इन्हें। और जैसे इन्हें मैं थोड़ा सा मारता हूँ ना, जैसे एक मुक्का मार दिया ये पड़ जाते हैं, मतलब एक मुक्का मार दिया, एक लात मार दिया, एक गोली लग गई इन्हें, ये पड़ जाते हैं। अगला इंसान भयंकर 5-5 लात खा के भी अपना पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन ये एक मुक्के में ही, मेरे एक मुक्के में ही पड़ जाते हैं ये। अब मैं एक काम करता हूँ भाई, टैक्सी फैक्ट्री में चलता हूँ, वहाँ से अपना रिवेन्यू कलेक्ट करते हुए अपना जाऊँगा जी टी वाई सिटी में। भाई बच गया, ओ बचा भी नहीं, फंसी गया यहाँ पे मैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे से चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई एपिसोड ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया। हो गया तो हो जान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप छोड़ के चले जाओ, आपको नहीं देखना तो। वैसे तो मैं चाहूँगा नहीं आप छोड़ के चले जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई डोंट सपोर्ट LGBTQ। अब बकवास क्यों कर रहा हूँ यार। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ भाई अपना टैक्सी फैक्ट्री में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई वहाँ पे मेरे को रिवेन्यू कलेक्ट करना है। यहाँ से रास्ता जा रहा है क्या जाने के लिए? ओके तो यहाँ से भाई बढ़िया सा तंग रास्ता जाने लग रहा है। ओके भाई 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 भाई, भाई। यहाँ पे बढ़िया सा स्टंट लग गया। ये बगल में आप घर देख सकते हो ना, ये आंट पॉलेट का है। आंट पॉलेट कौन है? मेरी आंटी है जिसने मेरे को मतलब यूज़ करा है, यूज़ इन द सेंस मतलब मेरा काम निकलवाया, अपना काम निकलवाया मेरे से, मतलब काम भी इस प्रकार से निकलवाया कि भाई मिशन करा लिए फ्री में। तो यहाँ पे भाई $2,500। अबे यार यहाँ की तो लिमिट भाई $5,000 की थी, 2,500 मिले सिर्फ मेरे को। मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा क्या? मुझे तो लगा खूब सारा टाइम स्पेंड कर दिया मैंने। भाई ये स्कैम ना हो जाए भाई, मेरे को कम से कम $50,000 तो करने पड़ेंगे भाई, कैसे भी करने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए मेरे को कितना भी गिरना पड़े। नहीं गिरूँगा तो नहीं भाई, ऐसे इतना काम नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर मैं अपने चलता हूँ भाई अपने घर की ओर, अपने वर्सिटीज़ मैंशन, वो वाला घर जो सबसे पहले वाला घर है। सबसे पहले वाला घर तो भाई होटल था मेरा, उसमें मैंने बहुत सारा अपना स्टार्ट करा है मतलब मिशन। और उसके बाद मैंने वर्सिटीज़ मेंशन डायरेक्ट भयंकर सिटी की सबसे महंगी प्रॉपर्टी खरीदी मैंने। अब इतना लंबा जंप लगा के मैं थोड़ा ना वो हो गया था कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पैसों के लिए भयंकर इधर उधर तितर बितर हो रहा हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ अपने घर की ओर। भाई वर्षा होने लग रही है भाई, वर्षा पता नहीं क्यों हो रही है, GTY सिटी में भी वर्षा होगी क्या? अबे यार लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, GTA। ओ भाई 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 ये क्या हुआ? ओ भाई यार एक्सीडेंट हो गया मेरा। ओके चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे बाइक भी अपनी तबाही मचाते हुए जा रही है भयंकर। भाई बाइक भी मैंने ही चलाई है ना, तो तबाही क्यों नहीं मचाएगी? तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई, कोई उड़ाना दे मेरे को भाई पीछे से। तो यहाँ पे मैं अपने भाई घर आ चुका हूँ वर्सिटीज़ मैंशन में। भाई मैं नहीं चाहता कि भाई 4,000 से कम में मैं बात करूँ भाई, कम से कम 4,000 तो देने चाहिए भाई, इससे कम हुआ तो भाई मैं तो। अबे यार लेकिन कोई नहीं, आप ले ही लेते हैं भाई 3690, इतने ज़्यादा नहीं है भाई, 40,000 तो हो गए हैं भाई। क्लब मेरे को लगभग मेरे को लग रहा है $7,000 कुछ दे देगा, जिस हिसाब से मैंने मतलब कैलकुलेशन मेरी बैठती है। 7,000 नहीं तो 7,500 दे देगा कम से कम, 7,500 नहीं तो 8,000 तो दे ही देगा भाई, 8,000 दे देगा। फिर मेरे को 2,000 का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसके लिए देखेंगे कुछ और मिशन कर लेंगे, नहीं तो किसी को लूट पार्ट के देख लेंगे अपना। लूट पार्ट के भी इतने पैसे आते नहीं यार, मिशन ही करना पड़ेगा कोई, मिशन भी क्या ही करेंगे यार, टाइम स्पेंड कर लेंगे, मिशन नहीं कर रहे भाई। इस एपिसोड में मैंने मिशन नहीं करा कोई, वो मिशन नहीं था भाई चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री का, वो तो वो था पेशा, पेशा मतलब आदत, आदत भी नहीं मतलब प्रोफेशन वो प्रोफेशन नहीं है भाई मेरा। तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई क्लब मेलेबू की ओर, और मैं पहुँच चुका हूँ क्लब मेलेबू। भाई मेरी आशा है कि भाई कम से कम $8,000 तो मेरे को मिल जाए, नहीं तो कम से कम 7 से नीचे तो मैं बात नहीं कर सकता भाई क्लब मेलेबू वालों से। भाई $7,000 जैसा कि मुझे लग रहा था भाई, $7,000 ही दिए भाई, 3,000 का नहीं 2,500 का मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं खरीद सकता हूँ भाई कुछ वो क्या कहते हैं उसे, अरे क्या कहते हैं उसे, कार भाई मैनुफैक्चरिंग यूनिट,
या कार फैक्ट्री या कार शोरूम जो भी उसे कह दो भाई, मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं था। एक गाड़ी पार्क थी और बेचने का रकम रखी हुई थी, तो मैंने इतना ही देखा, शायद कार शोरूम होगा भाई। वो $50,000 में मिल रहा है, तो भाई कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं होगी, शायद सप्लाई यूनिट हो सकती है भाई कहीं और से, मतलब इम्पोर्टेड कार होंगी वो, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेड कार होंगी भाई, इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान। वैसे कोई ऑब्जेक्शन तो उठा नहीं रहा, अपने आप से ही बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भाई मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ जाने के लिए, और यहाँ पे कौन सा, इस तरफ से जाना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ से मैं जाऊँगा भाई अपना टैक्सी की ओर भाई, दोबारा से मेरे को एक चक्कर काटना पड़ेगा भाई पूरा लंबा सा। यहाँ पे मैं थोड़ा ना फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, अबे फास्ट फॉरवर्ड की बात करी, भयंकर एक्सीडेंट ही हो गया। अब मैंने मारना भी नहीं चाहता, अगर मैं मारूंगा तो मेरी एमओ कम होगी, जिससे भाई मेरे को भाई मतलब बंदूक का जुगाड़ भी देखना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे भाई। क्या कंगाली की ज़िंदगी आ गई यार मेरी, अब क्या ही कर सकते हैं यार, कंगाल है तो क्या कर सकते हैं भाई, कंगाल एक कुत्ते का नाम है भाई। आज मैंने रिसर्च करा, लास्ट वाला एपिसोड मैंने उसके बारे में डिस्कस करा था, मुझे लगा भाई वो साइबेरियन कुत्ता होगा, लेकिन भाई वो तो टर्किश कुत्ता है। कंगाल आप जानते हो ना कितना ख़तरनाक सा कुत्ता है भयंकर, बिल्कुल शेर जैसा है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, हम भी कोई शेर कुत्ता नहीं है, कम नहीं है, शेर कुत्ते से कम नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई टैक्सी फैक्ट्री में, कितनी बार बताऊँ मैं आपको, जल्दी से पहुँचते हैं ना। ओके तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई अपने टैक्सी फैक्ट्री के, मतलब उसमें गली में, और इस गली में ही मेरी टैक्सी फैक्ट्री, और यहाँ पे देख लेता हूँ भाई कम से कम 1,000 तो मिल ही जाए भाई, मैं आभारी रहूँगा 1,000 मिल जाए तो भाई। अबे यार ये कैसे हैं यार, 1,000 भी नहीं दे सकते, चलो कोई नहीं। यहाँ पे $890 मेरे को मिले, 893 टू बी एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे भाई कितने रहते हैं मेरे पे, लगभग मेरे पे रहते हैं, एक काम करता हूँ भाई इन गैंग वालों को मार पीट के ना इन्हीं से ले लेता हूँ भाई। तैयार हो तुम, कितना दोगे तुम? वो कहाँ भाग रही है वो? अबे यार ये तो बहुत कम है, कितना है ये? अबे यार ये तो को भाई पुलिस लग गई मेरे पीछे, अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, जल्दी से भागूँ भाई। 2 स्टार पुलिस हो गई, अबे थोड़े से ही तो मारे थे, एक ग्रुप ही तो मारा, लेकिन छोड़ो कोई दिक्कत की बात है भाई, संख्या के हिसाब से। अब भाई, भाई 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 ये कैसे भाई, इसको मारूंगा मैं भाई, अब चाहे पुलिस आ जाए कोई आ जाए भाई, इसको तो मारूंगा मैं। रुक जा शेरपुत, इसको मारूंगा, इसके पैसे भी लूंगा मैं, इतना नीच गली इंसान हूँ। ओ भाई भाई पुलिस वाले मारने लग रहे, भाई कोई रास्ता ढूंढो यहाँ से भागने का भाई। यहाँ पे पुलिस वालों ने भाई प्राण खा लिए भाई, सुखा दिया मेरे को बिल्कुल। यहाँ पे कोई गाड़ी लेके खड़ा है अपना, इसकी गाड़ी चुरा लेता हूँ भाई। रुक जा मेरे को भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को वो है काम। तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई, कहाँ ही जाने लग रहा हूँ मैं, एक काम करता हूँ अपने वहीं पे चलता हूँ भाई। ये सामने देख सकते हो आप, ये वो है 70,000 वाला, तो भाई इसे तो नहीं देखते हैं। और यहाँ पे मैं चलता हूँ भाई, एक काम करता हूँ, ओ यहाँ पे कोई मरा पड़ा है, इसके पैसे भाई। रुक जाए एक मिनट, ओ यहाँ पे दो मरे पड़े हैं भाई, इनसे पैसे ले लेता हूँ भाई। अब पैसे का भाई इतना अंधा भाई, मैं ऐसे पैसे भी नहीं लेता था भाई, इतना बड़ा डॉन था मैं कि भाई मैं गिरे हुए पैसे भी नहीं लेता था। अभी मेरे ओ भाई भाई ये तो बढ़िया हो गया यहाँ पे। ओ भाई भाई पुलिस वाले, बच्ची क्या पुलिस वाले मेरे को ढप्पा कर देते, यहाँ पे इन्हें निपटा देता हूँ और इनके पैसे ले लेता हूँ भाई। इनके तो बहुत कम पैसे हैं, एक ही गड्डी रखी हुई है इनकी तो, लेकिन छोड़ो एक ही गड्डी काफ़ी है। यहाँ पे मैं बैठता हूँ, जल्दी से भागता हूँ। तो यहाँ से मैं भागने में सक्सेसफुल रहा, और यहाँ पे मैं ओ भाई 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 यार ये पुलिस वाले रुक नहीं रहे यार, अब मैं क्या करूँ। गाड़ी पेंट का, पेंट शॉप नहीं है क्या यहाँ पे आसपास कहीं? पेंट शॉप होती तो भाई गाड़ी पेंट करा लेता, जिससे क्या होता कि भाई जो मेरे पे मिशन है वो हट जाते। अब मैं भाई पेंट शॉप मेरे को जाना पड़ेगा, एक काम करता हूँ पेंट शॉप ही चले जाता हूँ, छोड़ कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। बाइक वाला, बाइक ले लेता हूँ भाई, बाइक भाई इंपॉर्टेंट रहती है भाई मिशन करने के लिए भाई, क्योंकि ये सुपर फास्ट रहती है, कंट्रोलिंग एक नंबर होती है, और इसे चलाने में भी। ओ भाई भाई पुलिस पुलिस, आई एम सॉरी पुलिस 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 पुलिस, यार ये पुलिस वाले भाई भयंकर, एक तो मार नहीं सकता और दूसरा भाई एक घर ही चलता हूँ, छोड़ देख जाएगी। तो घर ही चलता हूँ, वहाँ से पैसे ले लेता हूँ भाई, पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जान से। पैसे लेके भाई सबसे पहले भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा भाई, बहुत दिन हो गए, बहुत देर हो गई भाई, पैसे ही नहीं है भाई। बैंक अकाउंट भी बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे मतलब जैसे वो खोलते हैं ना पर्स, खोलते हैं तो मक्खी मच्छर और एक बटन दिखता है और एक पिन, तो वैसा ही सीन हो गया भाई मेरे पे। और यहाँ पे भाई बहुत खूबसूरत सा स्टंट कर दिया मैंने, और भाई यहाँ पे भाई मेरे हो चुके हैं $50,000 कंप्लीट। अब मैं चलता हूँ भाई अपना पेंट कराने के लिए अपनी गाड़ी को, वहीं पर चलता हूँ अपना लिटिल हवाना में, वहाँ पे अपनी बाइक पेंट कराऊंगा। पेंट कराने से क्या होगा, जो 2 स्टार पुलिस मेरे पे लग रखी है वो हट जाएगी, और हटने से क्या होगा भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले खरीदूंगा भाई, वो जो मेरी वो है ना कार इन्वेस्टमेंट, अरे कार वाला वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो खरीदूंगा मैं। छोड़ यार इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना भाई चीज़ों को, अपना सिंपल से मतलब ज़ुबान पे रहे तो बोल देंगे, नहीं तो चुप रहेंगे
तो यहाँ पे मैं जाने लग रहा हूँ भाई अपना पेंट शॉप पे मेरे को गाड़ी पेंट करानी पड़ेगी भाई, तीसरी बार बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब मेरी आदत पड़ चुकी है भाई बातों को रिपीट करने की, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, बातें भाई कंटिन्यूसली करनी है तो भाई रिपीट तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना। तो यहाँ पे मैं पेंट कराने लग रहा हूँ भाई, चौथी बार बता दिया भाई मैं, मेरे को मारना मत प्लीज़ भाई जैसे ही मिलो तुम। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से भाई पेंट करा दिया भाई, बढ़िया सी लग रही है बाइक, बढ़िया सी क्या ही लगेगी भाई, यहाँ पे बिल्कुल इस वाली गैंग से मैच कर रही है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, इनमें आपस में ही लड़ाई रहती है भयंकर, इतने ज़्यादा इनकी इतनी ग्रुप इतना बड़ा है ना इनका कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ भाई अपना इन्वेस्टमेंट देखने के लिए, यहाँ पे आपस में पुलिस भी इनको मारने लग रही है भाई, इसी लायक है मारो भाई इन्हें और मारो। तो यहाँ पे भाई मेरे को रास्ता ढूंढना है भाई, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन तो उसकी पता नहीं भाई, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे भाई एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता भाई वो है कहाँ पे, लेकिन फिर भी ढूंढना तो पड़ेगा ना उसे। तो यहाँ पे ढूंढता हूँ भाई, यहाँ पे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है मेरी ड्राइविंग को, कुछ नहीं हो रहा भाई, बढ़िया ड्राइविंग करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था थोड़ा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ भाई, यहाँ पे शायद मेरे को दिख जाए कोई ओ ये री ओके। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सही रास्ते पे आया हूँ, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, ये है भाई वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसे मैं खरीदना चाहता था भाई शुरू से, सबसे पहले से। तो भाई आपका भाई बहुत बहुत स्वागत है, एक बार इसे मैं दूर से देखूँ भाई, मैं दूर से इसलिए देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे मन को तसल्ली मिल जाए भाई, बहुत मेहनत करी है भाई ये $50,000 करने के लिए, 30,000 से स्टार्ट करा था भाई 50,000, अब ये मैं 3, 2, 1। तो यहाँ पे भाई फाइनली हमने कार शोरूम परचेज कर लिया भाई, $50,000 की हमको चपत लग चुकी है भाई, बहुत मेहनत करी है इसके लिए, 23,000 से हमने स्टार्ट किया था भाई और 50,000 तक हमारा सफ़र ख़त्म हुआ भाई, $15 भाई, इतने कम तो भाई मेरे पे GT Vice City जब मैंने शुरू करा था इतने भी नहीं थे, मतलब शायद इससे ज़्यादा ही होंगे भाई, $100 तो कम से कम GT Vice City वालों ने मेरे को दिए होंगे भाई जब मैं आया था लिबर्टी सिटी से यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मैंने फाइनली शोरूम खरीद लिया भाई, BJ Smith से ख़रीदा भाई, कोई काला सा आदमी था उससे मैंने शोरूम को ख़रीदा है भाई, वो बड़ी बड़ी फेंक रहा था शोरूम के बारे में, लेकिन छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे भाई मेरी मन की तसल्ली पूरी हो चुकी है भाई, इस वाले एपिसोड को मेरा बनाने का मन नहीं था लेकिन मैंने बना दिया, अब छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहीं पे हम अपना गेम सेव करेंगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे रखते हैं, ऐसे ही अमेजिंग और ढांसू एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए, बने रहिए मुमुक्षु के साथ, धन्यवाद।